नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के अंदर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको ज्योतिषी जानना सिखा सकता हूं और मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज का। आपको मैंने बताया था कि टोटल आपको 6 स्टेप याद रखने हैं। तो देखिए, पहली वीडियो के अंदर आपने 6 स्टेप में से दो जो शुरू के 2 स्टेप हैं वो सीख लिए, यानी राशि और राशि के स्वामी और कुंडली के अंदर 12 भाव आपने ये 2 स्टेप सीख लिए। आज मैं आपको जो तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप सिखा दूंगा, तो बेसिकली आपको सारे स्टेप आ जाएंगे। तो देखिए, पहले हम ऊंच और नीच के गहराई, ये तीसरा स्टेप है। चौथा मित्र और शत्रु और पांचवी डिग्री। तो टोटल अगर आपने सीख लिया तो ऑलमोस्ट आपको ज्योतिष के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि राशि और उनके स्वामी जो पहला स्टेप था, उसके बाद जो दूसरा स्टेप था कुंडली के अंदर 12 भाव, और अब तीसरा स्टेप आपको याद रखना ग्रह किस राशि में ऊंच के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। तो देखिए, ऊंच नीच का जो खेल है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये पहले फिलहाल आप याद रखिए, सूर्य जो है मेष राशि में ऊंच के होते हैं, तुला में नीच के। इसी प्रकार चंद्र चंद्रमा वृषभ में ऊंच के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं। जो बुध होते हैं वो कन्या राशि में ऊंच के, यानी 6 नंबर की जो राशि होती है, और मीन राशि जो 12 नंबर की होती है उसमें नीच के। इसी प्रकार शुक्र जो है मीन में ऊंच के, कन्या में नीच के, मंगल जो है मकर में ऊंच के, कर्क में नीच के, और गुरु जो है कर्क में ऊंच के, मकर में नीच के, शनि जो है तुला में ऊंच के, मेष में नीच के, और इसी प्रकार जो है राहु वृषभ और मिथुन में ऊंच के, वृश्चिक और धनु में नीच के, केतु जो है धनु और वृश्चिक में ऊंच के, वृषभ और धनु में नीच के। तो ऊंच का मतलब ये हुआ कोई ग्रह किसी राशि में हुआ, अपनी ऊंच की राशि में हुआ तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसी प्रकार अगर वो अपनी नीच की राशि में हुआ तो वो आपको बहुत ही बेकार रिजल्ट देगा। ये आपको याद रखना है। राहु और केतु जो राशि नहीं होती, इस प्रकार मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया, ये छाया ग्रह है। ये इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका खुद का प्लेनेट नहीं है। तो ये जिस राशि में बैठेंगे वैसे ये स्वभाव देना स्टार्ट कर देती है। तो चलते हैं मित्रों। देखिए, ये जो है ऊंच और नीच के ग्रह, मैं आपको चार्ट के हिसाब से भी समझा सकता हूं। पहली राशि है, जो पहली राशि होती है वो मेष होती है। अगर इसमें सूर्य बैठ गए अपनी ऊंच राशि में तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। आप ये समझ लीजिए ये पर्सनैलिटी का भाव है, आपका खुद का है, तो आप बहुत ही जबरदस्त आकर्षक आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपको सब सुख सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार अगर सूर्य अपनी तुला राशि में बैठ जाए, अगर सपोज करो यहाँ सातवीं राशि है और इसमें अगर सूर्य बैठ जाए तो आपको बहुत बेकार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मबल होता है, आपकी आत्मा होती है, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी आपके अंदर। तो इस प्रकार आपको देखना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए, चौथी चौथी जो राशि होती है, आप देखिए वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि में गुरु, यानी जो चौथी राशि हुई कर्क हुई, और इसमें गुरु बैठे हैं, इसका मतलब वो अपनी ऊंच की राशि में बैठ गए। और जो ये स्थान होता है ये होता है सब सुख सुविधा का स्थान होता है, जिसमें वाहन मकान सब देखी जाती है। तो ऐसे जातक को अपनी जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा, सब भौतिक सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है अपनी ऊंच की राशि में बैठ गए। इसी प्रकार अगर चौथी राशि में यहाँ पे कोई नीच का अगर प्लेनेट बैठ जाए, सपोज करो यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बैठ गए आपके, जो चौथी राशि है इसमें अगर सपोज करो आपका यहाँ पे आके बैठ गए मंगल, तो देखिए मंगल आपको बहुत ही गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो अपनी नीच की राशि में बैठ गए हैं। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी और सब सुख सुविधा लेने में आपको दिक्कत करेंगे। इसी प्रकार जो 10वीं राशि है, वो 10वीं राशि आपने देखा होगा, 10वीं राशि जो होती है वो मकर है, और मकर राशि के अंदर अगर मकर राशि जो होती है ये, अगर इसके अंदर बैठ गए मंगल, यानी 10वीं राशि होती है मकर, इसमें बैठ गए मंगल, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने बलबूते पे कुछ भी कर लेंगे। और इस पे अगर सपोज करो मंगल के जगह अगर यहाँ पे कोई दूसरी राशि बैठ जाए जो उसमें नीच की होगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपको कुल मिला के ये देखना है कि ऊंच और नीच के ग्रह अगर अच्छी राशि में बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और इसी प्रकार अगर नीच की राशि में बैठे हैं तो गलत रिजल्ट देंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये माफ कर दीजिएगा दोस्तों, ये जो तुला राशि होती है ये सातवीं होती है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, सातवीं राशि तुला राशि मानी गई है। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार देखिए जो अगला स्टेप होता है ये आपको ध्यान रखना है, मित्र और शत्रु। देखिए, आपको ये ध्यान रखना रखना पड़ेगा, दो तरह के प्लेनेट होते हैं। एक होते हैं देवे ग्रह, ये है देवे ग्रह, और दूसरे ये है दानव ग्रह।
तो देवे ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य, और इनकी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। इसी प्रकार जो दानव ग्रह होते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनकी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ये जो दानव हैं ये देव ग्रह से दुश्मनी मानते हैं, इसी प्रकार देव ग्रह जो है दानव ग्रह से दुश्मनी मानते हैं। बुध जो है उनकी सभी दानव ग्रह से मित्रता है, और जो देव ग्रह है उसमें गुरु सूर्य से इनकी मित्रता है, मंगल और चंद्र के साथ दुश्मनी है। इसका क्या फर्क पड़ता है वो आपको आगे आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर मान लो इनमें से किसी की भी युति हुई, या शनि शुक्र जो है शनि की राशि में हुए, या शनि जो है बुध की राशि में हुए, या बुध जो है शुक्र की राशि में हुए, अपनी दोस्त की राशि में हुए, तो अच्छा रिजल्ट देंगी। इसी प्रकार अगर जो है मंगल अपने दुश्मन की राशि में हुए तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, या इन दोनों की युति हुई वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, फिलहाल आप ये स्टेप याद रख लीजिए दोस्तों। दूसरी आपको पांचवा जो स्टेप ये याद रखना है वो रखना है डिग्री, कि किसी भी ग्रह की डिग्री। अगर सपोज करो आपके कुंडली के अंदर यहाँ पे मंगल बहुत ऊंच के हुए, और मंगल की जो डिग्री है वो 0 से 6% हुई तो आपको 25% रिजल्ट देंगे, 6 से 12 उनकी डिग्री हुई तो 50% रिजल्ट देंगे, 12 से 18 उनकी डिग्री हुई तो वो 100% आपको रिजल्ट देंगे, 18 से 24 हुए वो 50 देंगे, और इसी प्रकार 24 से 30 पे वो आपको 25 रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि 25% हुई बाल अवस्था, 50% हुई युवावस्था, 100% हुई पूर्ण युवावस्था, 50% हुई पौन अवस्था, और 25 हुई वृद्ध अवस्था। तो इस तरह से आपको ये पांचवा स्टेप याद रखना है। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी सिर्फ इसमें आपको मैं ग्रह का बता दूंगा जो पांचवा पॉइंट है, फिर आपको अच्छी तरह से ज्योतिष सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्लीज मेरा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल, और इसको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए आज मैंने आपको 5 स्टेप समझा दिए हैं कुंडली के अंदर, इनकी क्या क्या विशेषताएं होते हैं। नाउ अब मैं आपको ग्रह का फल, आपको ग्रह कोई ग्रह किस राशि में होगा, कैसे रिजल्ट देगा, जो लास्ट जो स्टेप है वो आपको मैं बता दूंगा, फिर ऑलमोस्ट आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।